हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आपको थर्ड सेमेस्टर की ओर बढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर यानी अब आप सेकंड ईयर के लिए हैं, और सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे जैसे फर्स्ट ईयर में हुए थे। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हुआ था, और सेकंड ईयर में आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर होंगे। तो फिलहाल हम थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हैं, और थर्ड सेमेस्टर में आपको सिलेबस बता रहे हैं क्योंकि क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो कल यानी इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बता दिया है, आप चाहिए और देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आज हम देख रहे हैं थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में, और ये बहुत ही शानदार है आपका सिलेबस। तो यानी सेकेंड सेमेस्टर के मुकाबले तो ईजी है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं, और वैसे ये ऑफिशियली सिलेबस है, इसका मैं हिंदी वर्जन भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसको पहले समझते हैं, इसके बाद हम जानेंगे इसका हिंदी पैटर्न पे। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने ये विजिबल हो रहा है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, तो हम यहाँ पर ये सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला सिलेबस है उसी सिलेबस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रिवाइज किया गया है, क्या किया गया, रिवाइज किया गया है। ठीक है, एक तो चीज आप ये ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर लिखा गया है कि सेमेस्टर फोर्थ थर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और इसका टाइम पीरियड जो आपको पढ़ना है वो देख सकते हैं आप, 1757 से 1857 ईस्वी तक, यानी 1857 की क्रांति तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आपके पढ़ना है तो वो देखिए। एक बार टोटल हमेशा की तरह 5 यूनिट रहेगी। तो पहली यूनिट में क्या देखिए, पहली यूनिट में है डाउनफॉल ऑफ मुगल एंड मराठा पावर, यानी पूरा मुगल प्रशासन को ना पढ़कर हम उनके विघटन के जो कारण है उस पर गौर करेंगे, और मराठा के उदय और पतन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसके 4 इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे, वैसे मैं इसका आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में पूरा इसको समझाऊंगा आगे। इसी प्रकार आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट आपको पढ़ाएंगे वो है इंडियन स्टेट, जिसके अंदर पंजाब, बंगाल, हैदराबाद और साउथ इंडिया की कंडीशन को देखेंगे ईस्ट इंडियन एनवायरमेंट के आसपास। ठीक है, इसके बाद आपका जो थर्ड यूनिट होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो थर्ड यूनिट आप देखें तो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें हम एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी रूल, यानी यहाँ पर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर विस्तार है उसको भारत के अंदर देखने वाले हैं, और इसके संबंध में हम इनकी विभिन्न व्यवस्थाएं, विभिन्न प्रणालियां, नीतियां हैं, या उनके जो अलग अलग समय पर उसका जो राज प्रभाव जो बढ़ता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट फोर में क्या पढ़ेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से अपने आप को प्रशासन किया, यानी प्रशासन कैसे चलाया, बस ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी हम अलग अलग आपको बताने वाले कि क्या क्या टॉपिक यानी क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ पर अपने सेमेस्टर हम आपको पढ़ाएंगे। फिर जो लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट के अंतर्गत आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल पावर, यानी किस प्रकार से अंतिम समय में इस ईस्ट इंडियन कंपनी और अंग्रेज प्रशासन का विरोध होता है, रेसिस्टेंस। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत हम बहुत सी चीजों पर गौर करने वाले हैं। तो ये तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपका इंग्लिश सिलेबस बता दिया, इंग्लिश वर्जन में मतलब बता दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ये हिंदी का सिलेबस, यानी हिस्ट्री को, इस सिलेबस को हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आप सभी को इंतजार होगा कि सर हमारा सिलेबस कब आएगा अलग अलग सब्जेक्ट का, तो धीरे धीरे सबका मैं रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि जो कल ये किया था आज ये किया, तो हम सबका सिलेबस बताएंगे क्योंकि हमें सिलेबस पढ़ाना भी तो है। तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इसी का हिंदी वर्जन सिलेबस, जो जहां से आपको पूरा का पूरा इसमें समझ में आ सकेगा, पूरा का पूरा क्या होगा समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो देखिए ये सिलेबस जो है वो आपकी हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, जहां से आपको समझाने की यानी समझ में आए ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम हिंदी के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं ताकि आपको ये पूरा समझ में आ सके कि हाँ भाई सिलेबस तो मारे काम रो इसे मैंने इजी वे समझ में आ जाए, तो बस वही चीज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि शुरुआत में हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में हो जाऊं और आपको सिर्फ सिलेबस ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसे रहूंगा तो मैं बीच में आ जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं भारत का इतिहास 1757 से 1857 के बीच है, और इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इसमें मुगल और मराठा शक्ति का पतन। तो इसके अंदर पहले मुगल सत्ता का विघटन किस प्रकार से होता है, फिर
इसके बाद इसमें तस्वीर में पेशवा और मराठा संघ के तहत मराठा साम्राज्य का विस्तार, मराठों के अधीन प्रशासन और सामाजिक आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे। फिर लास्ट में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मराठा शक्ति के पतन के कारण, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह हम बढ़ते हैं तो यूनिट टू के अंदर पढ़ेंगे भारतीय राज्य, जिसके अंदर रणजीत सिंह यानी पंजाब का उदय और विजय एवं प्रशासन, 18वीं शताब्दी में बंगाल और अवध का उदय, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद मैसूर का उदय, क्योंकि ये उदय होंगे तभी इस पर अंग्रेजों का राज होगा, धीरे धीरे इसका भी पतन की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिति कोचीन और त्रावणकोर के विशेष संदर्भ में, और इसके अलावा थर्ड यूनिट में हम जो पढ़ने वाले क्या विद्यार्थी वह ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन का विस्तार, ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन का विस्तार हम पढ़ेंगे, और इसकी अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसका नियंत्रण के लिए प्रतिबद्धता, क्योंकि एक ही कंपनी नहीं आई थी भारत में, बाकी और भी देशों की कंपनियां आई थी, तो फिर उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी में विद्रोह होने लगा था, तो उस दौरान क्या चीजें रही। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, बक्सर और प्लासी की लड़ाई, उनके प्रभाव, ये हम इसमें पढ़ेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार जो 1765 से 1813 रिंग फेंस से लेकर अधीनस्थ अलगाव तक की जो व्यवस्था है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड द नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव की ओर बढ़े, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार जो 1813 से 1856 तक होता है। एंड द लास्ट जो यूनिट है वो 1800 मतलब अपना फोर्थ यूनिट जो है उसमें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समझेंगे, जिसमें उसकी आर्थिक नीतियाँ, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, भूमि संबंधी जो नीतियाँ हैं, क्योंकि आपने अलग अलग पढ़ा होगा इतिहास के बारे में अंग्रेजों की नीतियों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत के अंतर्गत प्रशासन तंत्र, सांस्कृतिक उत्थान के सिद्धांत, उपयोगितावाद, इग्लेजिकल और श्वेत पुरुष बोध सिद्धांत, भारतीय समाज की प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक प्रतिरोध की शुरुआत, जब अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर हावी हो जाते हैं हर प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक वैली पर, तो भारत में किस प्रकार से उसका विरोध और प्रतिरोध होता है। फिर अभी लास्ट यूनिट रहेगी आपके लिए, और देखा जाए तो थोड़ा सा आपका फोर्थ यूनिट रह सकता है, लेकिन फिफ्थ यूनिट बिल्कुल आपका इजी रहेगा, ठीक है, मतलब पढ़ने का भी मजा आ जाएगा। तो देखिए औपनिवेशिक सत्ता का प्रतिरोध, लॉर्डोलॉजी, सुधार विलय और उसका आलोचनात्मक अध्ययन हम पढ़ेंगे, फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण और प्रकृति यानी 1857 की क्रांति जो है उसके क्या कारण थे, उसकी प्रकृति थी वो पढ़ेंगे, और मुगल नेता और 1857 में लोगों का मुख्य नेता कि भाई 1857 के समय मुख्य नेता कौन थे इसके, और 1857 में लोगों का प्रतिरोध किस प्रकार से हुआ और उसका भौगोलिक क्षेत्र यानी कहाँ तक ये विद्रोह जो है वो फैला, ठीक है, ये जानेंगे, और हम लास्ट में इसके चैप्टर में पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण और नतीजे। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों आपके BA थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन बता दिया। अब कमर कस लीजिए क्योंकि रेस होने वाली, वापस वही आपके एग्जाम के पहले पहले सिलेबस पूरा करवाना है, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम भी कम है। देखिए अब जैसे सितंबर तो चल ही रहा है और दिसंबर जनवरी की संभावना है कि भाई जनवरी तक एग्जाम आपका करवाए, तो फिर समय कम है और आपको अपनी स्पीड को बरकरार रखना है, तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से हमारे एक और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय